जोहर साहब, अगर बिग बॉस 15 को आपने स्पॉइल किया तो अच्छा नहीं होगा। सलमान खान जिस शो को पिछले 10 साल से होस्ट करते आ रहे हो, उस शो को होस्ट करने की आपने हिम्मत भी कैसे दिखाई, आपने जरूरत भी कैसे की कि आप सलमान खान का बिग बॉस सीजन 15 होस्ट करेंगे? सलमान खान क्या होस्ट नहीं कर सकते? जैसे सलमान खान आखिरी के 4 महीने होस्ट करेंगे सितंबर से लेकर जनवरी तक, तो क्या सलमान खान और 1.5 महीना होस्ट नहीं कर सकते थे? ये किसका डिसीजन है मुझे नहीं पता, बट ये डिसीजन से मैं कतई सहमत नहीं हूं कि सलमान खान के अलावा कोई और बिग बॉस शो होस्ट करे। कतई नहीं सहमत हूं, क्योंकि सलमान खान के अलावा हम किसी और को इमेजिन कर ही नहीं सकते इस शो का होस्ट। क्या आप कर सकते हो? नहीं ना। तो सलमान खान के अलावा क्यों मेकर्स कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा करण जोहर साहब, आप कॉफी विद करण अच्छा होस्ट करते थे, है ना? बड़े बड़े ए लिस्टर सेलिब्रिटीज को बुलाकर, बड़े बड़े लोगों को बुलाकर, इधर क्या, इधर कॉमनर्स लोगों को आप होस्ट करेंगे? तो मुझे कहीं से ये मैच लग ही नहीं रहा है, क्योंकि कॉमनर्स के लिए कॉमनर्स फील वाला एक एटीट्यूड वाला बंदा, यहां तक कि सिद्धार्थ शुक्ला को भी अगर होस्टिंग पे लगाया होता आई वुड बी लाइक वेरी मच ओके, पर यहां पे आप होस्ट करने को दे रहे करण जोहर को। आई थिंक मैं यहाँ पे गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, बट इससे अगर कुछ इश्यूज हुआ तो आई थिंक पीपल विल ब्लेम सलमान खान कि भाई आपने इतना आने वाले ये 6 हफ्ते का होस्ट क्यों नहीं किया, करण जोहर क्यों दिया। करण जोहर लाइव विषय हर चीज उनका सब सही है, नो इश्यूज, बट इस शो के होस्ट के तौर पर क्योंकि कॉमनर्स आने वाले ना, आम जनता आने वाले, उसको कैसे ट्रीट करेंगे करण जोहर? आई एम नॉट श्योर, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं होगा, बट स्टिल जरूरत नहीं थी, मुझे लगता है जरूरत नहीं थी इसके। आई एम नॉट हैप्पी कि एनीवन रिप्लेस सलमान खान एट ऑल। मुझे करण जोहर को देखना ही नहीं था बिग बॉस सीजन 15 में एज ए होस्ट। ये सबसे वर्स्ट चॉइस है मेरी अपनी ओपिनियन में, क्लियर बोलता। आई डिडंट लाइक करण जोहर एंट्री इन सलमान खान बिग बॉस 15 एज ए होस्ट। आई नो वो 6 हफ्ता ही रहेंगे, बट क्या इस शो की तब तक लगा नहीं देंगे? मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट थिंक दिस इज अ राइट चॉइस। देखते मेकर्स क्या करते क्या नहीं करते, बट आई एम वेरी मच अनहैप्पी कि सलमान खान की जगह लेने के लिए कोई और को रखा गया है एज ए बिग बॉस होस्ट। इट्स नॉट राइट। आई थिंक नो वन कैन रिप्लेस सलमान खान, और सलमान खान होस्ट करते तो शायद इस ओटीटी का जो ये शो होता ना, ये बहुत बड़ा हिट होता, बहुत बड़ा। बट अब क्या होगा नहीं पता, बिकॉज करण जोहर का वो इमेज नहीं रहा पिछले 1 साल में, ये आप सभी जानते हो। दैट्स व्हाई करण जोहर हार्डली ट्वीट्स अबाउट एनीथिंग, है ना, इन द रिसेंट लास्ट वन और 1.5 ईयर्स। सो ही इज कमिंग एज ए होस्ट इज ए बिग रिस्क बाय द बिग बॉस टीम एज वेल, बट लेट्स सी व्हाट टर्न्स आउट टू बी नेक्स्ट। बट एक चीज है, सलमान खान नहीं तो शो देखने का मन नहीं करेगा, ये पक्की बात है। आपको क्या लगता है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो तो अच्छा लगा नहीं होगा, क्योंकि एवरीवन वांट्स सलमान खान टू होस्ट एंड ही इज नॉट होस्टिंग ऑन वोट। दिस इज नॉट डन।